पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने रबूपुरा स्थित अपने घर पर तिरंगा लगाया। इस दौरान उसका पति सचिन और अधिवक्ता एपी सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही सीमा ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस दौरान सीमा के वकील ने रविवार को बताया कि वो अब अमित जानी की फिल्म में काम नहीं करेगी। सीमा ने फिल्म में काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। सीमा ने साथ ही फिल्म डायरेक्टर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फिल्म ना करने की वजह आप खुद सीमा से सुनिए। सबसे पहले तो मैं उन्हें जानती नहीं थी। एपी सर का नाम कह के आए थे, एपी वकील सर का नाम से आए थे वो, और मैंने उन्हें नहीं जानती थी। तो क्या गलत जानकारी आपको दी? मुझे पता भी नहीं था। हाँ, एपी सर का नाम कहकर वो आए थे, हमें पता भी नहीं थी वो कौन है। और उनको मैंने बहुत एहतराम करा, पांव भी छुए, कि मुझे खुशी हो रही थी कि सर ने भेजा है। उन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए उन्होंने कहा कि एपी सर के नाम से ही कहा, थोड़ी सी उन्होंने वीडियो बनवाई कि हाँ, जब नागरिकता क्लीन चिट के बाद ना मैंने कोई साइन करा है ना मैंने फिल्म के लिए हामी भरी। उन्होंने थोड़ी वीडियो बनाने के लिए उन्होंने सर का नाम लिया, एपी सर का नाम लिया, तभी मैंने इतनी सी उनके कहने पे वीडियो बनवाई। और दूसरी बात, जब वो चले गए तो मैंने सर से बात करी, मैंने कहा आपने भेजा था अमित जानी को, तो इनको पता ही नहीं थी। तो उस मतलब धोखे से वो आए थे, क्योंकि उनको मैं जानती तक नहीं थी। मुझे ये भी पता नहीं उन्होंने कितनी फिल्में बनाई थी या नहीं बनाई थी, इस बारे में मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं। सर बताएंगे आप, बाकी बातें आप सर बताएंगे। और रही बात, कई फिल्में घोषित हो चुकी हैं, तो आपको इसके लिए पता नहीं? कराची टू नोएडा फिल्म बन रही है ये उन्होंने फिल्म, क्या आपसे उन्होंने डिस्कस किया था? बिल्कुल भी नहीं करा, मुझे पता भी नहीं इन बातों का। और वो सर का नाम जब घर पे है तो सर का नाम लेकर आए थे। वहीं आपको बता दें कि सीमा ने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपको मालूम हो कि पाकिस्तान के कराची की रहने वाली महिला सीमा हैदर बिना वीजा के नेपाल के रास्ते अपने चार बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में यहां के निवासी सचिन के घर आकर रह रही है। आंदे, 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 आंदे,